हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हालचाल है आप सबके। आई होप एकदम मजे में होगे। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एप्पल स्टोर के बारे में, क्योंकि इंडिया में एप्पल स्टोर ओपन होने वाला है और इसके क्या बेनिफिट आप सबको मिलने वाले हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपको नहीं पता, तो दो एप्पल स्टोर इंडिया में ओपन होने वाला है। पहला एप्पल स्टोर जो है वो ओपन हो रहा है मुंबई में 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे और इस एप्पल स्टोर का नाम है एप्पल बीकेसी। मुंबई में जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है वहां पे जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल है, उसके अंदर ये एप्पल स्टोर होने वाला है। सुबह 11 बजे इसकी ओपनिंग है और यहाँ पे टिम कुक भी होने वाले हैं ओपनिंग के टाइम पे। और इसके दो दिनों के बाद ही दिल्ली में जो सिटी वॉक मॉल है साकेत एरिया के अंदर, वहां पे एप्पल का दूसरा स्टोर ओपन हो रहा है और इसका जो ओपनिंग टाइम है वो है सुबह 10 बजे और यहाँ पे भी टिम कुक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी लोग एप्पल स्टोर के अलावा टिम कुक के फैन है वो लोग ओपनिंग पे जरूर जाना। और यहाँ पे एप्पल ने इनके जो लोगोज हैं उनकी इंस्पिरेशन ली है सिटी से ही। तो अगर आप मुंबई स्टोर के एप्पल लोगो की बात करोगे तो इसकी इंस्पिरेशन एप्पल ने ली है मुंबई की काली पीली टैक्सी से, और अगर दिल्ली स्टोर की बात करें तो इसकी इंस्पिरेशन दिल्ली के जितने भी गेट्स हैं उनसे एप्पल ने ली है। और अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि एप्पल के स्टोर्स में ऐसा क्या खास होता है जो अभी तक इंडिया में हम लोगों को नहीं मिल रहा था। तो काफी लोग जो लोग अब्रॉड जाते हैं उन्होंने एप्पल स्टोर डेफिनेटली देखे होंगे। एक चीज सबने ही नोटिस की होगी, एप्पल के जो स्टोर्स होते हैं वो आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ, वो सब जगह पे सेम रहते हैं। सेम फर्नीचर होता है, सेम लेआउट रहता है, कहीं पे बड़ा छोटा जरूर हो सकता है, बट अगर आप फर्नीचर की बात करोगे, लेआउट की बात करोगे तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं और जो एक्सपीरियंस है वो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी के साथ ज़्यादा अच्छे हैं, किसी के साथ ज़्यादा बुरे हैं, तो सब जगह पे सेम चीज़ रहती है। वही सेम चीज़ आपको इंडिया में एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। और अब अगर बेनिफिट्स की बात करूं, उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या मुझे नहीं पसंद था अभी तक जो इंडिया में एप्पल स्टोर्स हैं। इंडिया में पहली बात एप्पल स्टोर्स नहीं है, जो इंडिया में अभी तक एप्पल स्टोर्स हैं वो ऑथराइज्ड रिटेलर्स हैं, वो एप्पल स्टोर ओरिजिनल नहीं है, वो सिर्फ रिटेलर्स हैं जो बेच सकते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, क्योंकि मैं तो इंडिया में रहता नहीं हूँ बट जो 5-6 साल यूट्यूब करियर में मैंने नोटिस किया है, सबसे बड़ी कंप्लेंट आप सबकी थी कि भाई वारंटी को लेके बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं ये लोग। जब भी कोई जाता है कि यार ये है वो है तो पता नहीं क्यों रोते हैं वो लोग और हर चीज़ के लिए चार्ज करते हैं और बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, एक स्पेसिफिक चार्ज नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। और कई लोगों ने ये भी मुझे बताया, जब नए आईफोन्स आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि अगर आपको लेटेस्ट आईफोन चाहिए तो आपको ये 5,000 का 6,000 का पता नहीं कोई इंश्योरेंस लेना ही लेना पड़ेगा वरना आपको फ़ोन नहीं मिल सकता। 10,000 का ये लो, 15 का ये करवाओ, तब जाके आपको फ़ोन मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी एप्पल स्टोर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपकी जो रियल वारंटी है आप उसको ले पाओगे और हर चीज़ के लिए फिक्स प्राइस वहाँ पे होने वाला है। ऐसा नहीं है कि रिटेलर्स अपने हिसाब से एडजस्ट करें। तो ये एक दो चीज़ें जो रिटेलर से मुझे प्रॉब्लम थी वो रहती है, और रिटेलर्स अपने हिसाब से जो प्राइस है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। एप्पल स्टोर में जो प्राइस होता है वो जो पहले दिन होगा लॉन्च के टाइम पे वही पूरा साल चलेगा, वहाँ पे ऊपर नीचे प्राइस नहीं होगा। रिटेलर्स जो है वो उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। पहला सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा, आप सारे ही प्रोडक्ट्स को रियल टाइम में फील करके एक्सपीरियंस करके देख सकते हो स्टोर पे जाकर। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आप फोन को क्यों यूज कर रहे हो, क्यों इतनी देर से खड़े हो। आप जो भी फोन यूज करना चाहते हो वहां पे फोन लगे होंगे डिस्प्ले में, सारे कलर्स होंगे। तो अगर मान लीजिए 14 प्रो लेने जा रहे हो और आप चारों कलर्स को साथ के साथ देखना चाहते हो तो चारों कलर्स आपको टेबल के ऊपर मिल जाएंगे, आप उनको चलाकर भी देख सकते हो। मैकबुक लेना चाहते हो, एयरपॉड्स लेना चाहते हो तो सारी चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें डिस्प्ले के ऊपर मिल जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक या दो ही कलर्स हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे स्पेशलिस्ट आपको मिल जाते हैं। जब आप एप्पल के स्टोर में चेक इन करते हो तो वहाँ पे एक सबसे पहले बंदा खड़ा रहता है और उसके हाथ में एक टैबलेट होता है, वो आपका नाम लेता है और आपसे पूछता है आप क्या करने के लिए आए हो। तो अगर मान लीजिए आप आईफोन लेने जा रहे हो और आपको आइडिया नहीं है तो आप उनको बता सकते हो कि यार मैं आईफोन लेने के लिए आया हूँ, ये मेरी नीड्स हैं और कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो लोग आपको सजेस्ट करेंगे। और ये आईफोन, आईमैक, मैक, जो भी आप लेना चाहो, हर चीज़ में स्पेशलिस्ट जो है आपकी हेल्प करते हैं। और इसके बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जीनियस बार। जीनियस बार जो है ये एप्पल स्टोर के अंदर ही आपको मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे आपकी जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं एप्पल उनको रिप्लेस करता है या ठीक कर कर देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपना फ़ोन लेके जाते हो, बोल रहे यार इसमें ये दिक्कत आ रही है, वो आपका फ़ोन लेंगे, कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, एक डायग्नोस्टिक करेंगे और जो भी दिक्कत होगी आपको बता देंगे और एक एस्टिमेट दे देंगे कि इतना प्राइस होने वाला है और ये इतना टाइम लगेगा, और सारी चीज़ें वहीं पर फिक्स हो जाएंगी। और अगर आपके पास एप्पल केयर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो।
रिटेलर्स वाला पंगा नहीं है कि भाई इतने इसके उतने उसके, तो इस चीज़ से आप बच जाओगे। उसके अलावा यहाँ पे ट्रेड इन आप कर सकते हो, जब आपका एक नया फ़ोन लॉन्च होता है और आपके पास एक पुराना आईफोन है तो आप अपने पुराने आईफोन को लेके जा सकते हो स्टोर में, वो दे सकते हो और नया ले सकते हो और प्राइस भी आपको अच्छा मिल जाएगा आपके पुराने फ़ोन का। और यहाँ पे स्टोर क्रेडिट भी आप ले सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपना आईफोन दे दो उनको और आप आईफोन नहीं खरीदना चाहते हो, आप कुछ और खरीदना चाहते हो, तो वो लोग आपको एक स्टोर क्रेडिट भी दे देते हैं। तो मान लीजिए 1,00,000 रुपये का आपको स्टोर क्रेडिट मिल गया और आप एक लैपटॉप लेना चाहते हो, मैकबुक लेना चाहते हो, तो 2,00,000 का अगर मैकबुक है तो 1,00,000 का आपके पास स्टोर क्रेडिट है, 1,00,000 आप और दो और लैपटॉप आपको मिल जाएगा। तो ट्रेड इन जो है ये काफ़ी अच्छा रहता है। उसके अलावा आप ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हो और पिकअप कर सकते हो स्टोर पर जाकर, अगर आप घर पे नहीं हो। ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है बट स्टिल एक फीचर है एप्पल स्टोर का। उसके अलावा यहाँ पे गिफ्ट कार्ड्स मिल जाते हैं। अभी तक इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये क्या है, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं चलता। तो अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो आप एक गिफ्ट कार्ड उनसे बाय कर सकते हो, उसमें जो भी अमाउंट आप डलवाना चाहते हो, 5,000, 10,000, 1,00,000 जितना भी, वो आप डलवा के अपने किसी फ्रेंड को जिसको भी आप देना चाहते हो उनको दे सकते हो और वो गिफ्ट कार्ड लेकर उनको स्टोर पे जाना है और वो जो भी परचेज करना चाहे वो कर सकते हैं। तो अभी तक ये जो गिफ्ट कार्ड वाला फंडा है वो इंडिया में नहीं चल रहा था, बट अब एप्पल का जो गिफ्ट कार्ड है इंडिया में भी काम करेगा। और उसके अलावा अगर आपकी एक कंपनी है और आप एक बिजनेस अकाउंट खोलना चाहते हो तो एप्पल की बिजनेस टीम भी रहती है हर स्टोर की, तो आप उनके साथ कांटेक्ट में आ सकते हो और जो भी आपकी कॉरपोरेशन होगी, जो भी आपको चाहिए होगा, आप उनको बस एक कॉल कर सकते हो। आपको स्टोर पे जाने की भी जरूरत नहीं है, आपके लिए एक डेडिकेटेड लाइन होती है, आपको बस उस पर कॉल करना होता है। तो सर्विसिंग से लेकर सारी चीज़ें बिजनेस टीम जो है वो मैनेज करती है। और यहाँ पे एप्पल स्टोर में एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप एप्पल स्टोर पे जाओगे आईफोन 8 भी मिलेगा, आईफोन 10 भी मिलेगा, ऐसा नहीं। जो एप्पल के रेगुलर फोन्स होंगे जो उनकी वेबसाइट के ऊपर आप लोग देख सकते हो वही मिलेंगे। जैसे अभी आईफोन 14 सीरीज चल रही है तो आईफोन 14 सीरीज आपको मिलेगी, 13 एंड 13 मिनी मिलेगा, 12 मिलेगा और उसके अलावा आपको मिल जाएगा आईफोन SE 3 और उसके अलावा कोई भी आईफोन वहां पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यही आईफोन जो है एप्पल प्रमोट करता है। जैसे अभी आईफोन 15 आएगा तो आईफोन 14 सीरीज जो है वो बंद हो जाएगी, सिर्फ रेगुलर वाला आईफोन 14 आपको मिलेगा और आईफोन 14 प्लस प्रो सीरीज आपको वहां पे नहीं मिलेगी, 15 प्रो एंड 15 सीरीज आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो ये जो रेगुलर फोन है सिर्फ इंडिया में सेल होते हैं, रिटेलर वगैरह से आप खरीद सकते हो बट एप्पल स्टोर पे आपको नए वाले फोन ही देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ स्टोर्स होते हैं एप्पल के एक्सक्लूसिव जहाँ पे ये मर्च आपको मिल जाता है। जैसे अभी ये जो आप देख रहे हो ये एप्पल के कुपर्टिनो स्टोर से मैंने खरीदा है, मुझे नहीं लगता इंडियन स्टोर में ये जो मर्च वाला सेक्शन है वो होगा, अगर होता है तो अच्छी चीज़ है, बट 99.9% मैं श्योर हूँ कि ये जो मर्च है ये सिर्फ एप्पल अपने कुपर्टिनो वाले स्टोर में ही रखेगा। बट अगर इंडिया में होता है तो आप भी इंजॉय कर सकते हो, ऑल्दो काफ़ी महंगी टी शर्ट्स होती हैं ये वाली, बट स्टिल अगर आप एप्पल फैन हो तो ज़रूर बनता है आपके लिए। और ये थी मेरी वीडियो एप्पल के स्टोर के ऊपर और एप्पल स्टोर के क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके ऊपर। और आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो ओपनिंग डे पे बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे सेलेब्रिटीज इन स्टोर ओपनिंग के टाइम पे। तो जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं और जो लोग एप्पल के फैन हैं और अगर आप लोग पास हो ये स्टोर्स के तो डेफिनेटली जाना चाहिए, भीड़ डेफिनेटली होगी बट वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एप्पल स्टोर रोज रोज ओपन नहीं होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ दो ही एप्पल स्टोर खुलेंगे, इसके अलावा 2023-2024 में एप्पल और भी ज़्यादा एप्पल स्टोर जो है बाकी सिटीज़ में ओपन करने वाला है। तो जहाँ तक मुझे पता है एक बेंगलोर, एक चंडीगढ़ और एक दो सिटीज़ और थी गुजरात की, वहाँ पे एप्पल स्टोर जो है बहुत ही जल्दी आने वाला है। उसके अलावा बाकी सिटीज़ जो है वहाँ पे भी बहुत जल्दी एप्पल स्टोर आ जाएगा। और ये थी मेरी वीडियो। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट करो और मुझसे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हो DM, मेरी इंस्टाग्राम ID है @happyojla। और अब इसी के साथ वीडियो को करता हूँ खत्म, मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।